So hello students, today we are going to solve questions from first exercise of your mathematics book, that is exercise 1A, and this is the chapter integers. Okay, so if your first question here from this chapter is write all the integers between, यानी कि आपको दो integers दिए हुए हैं, उसके बीच में जितने भी integers हैं आपको लिखने हैं. First question है आपका -9 and -3, यानी कि minus 9 और माइनस 3 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है आपको लिखने हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 से लेकर 9 तक का आपको नंबर्स लिख लेने हैं, ठीक है, रफ में. सो 3 के बाद 4 5 6 7 8. सो 3 और 9 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं आप लिख लो और आप इसमें जस्ट माइनस साइन लगा दें, ठीक है. सो यू जस्ट पुट नेगेटिव साइंस टू दिस नंबर. सो दिस विल बी योर answer, this will be your answer. So how you'll write, you just write solution. So you can write all, okay, I'm writing with the capital letter, you can use a small letter, okay, all integers between, okay, all integers between minus 9 and, okay, and minus 3 are, okay, so you can write -4 -5 -6 -7 -8, okay -7 and -8, ठीक है. सो आपको क्या करना है, यहां पर जैसे कि मैंने तो यहां पर कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं ताकि आपको क्लियरली दिख सके, ठीक है. तो आपको स्मॉल लेटर इस्तेमाल करना है व्हेरेवर इट इज नेसेसरी. तो ये हो गया आपका आंसर. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है आपके यहां पर -33 and -26, ठीक है, -33 and -26. सो इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स है वो आपको लिखनी है, 20 -33 और -26 के बीच में. सो आप क्या करें, 26 और 33 के बीच में जितने भी नंबर्स है उसको आप रफ में लिख लें. सो 27 28 29 30 31 32. तो ये नंबर्स है जो कि 26 और 33 के बीच में आते हैं. बस आप क्या करें, जस्ट यू जस्ट पुट नेगेटिव साइन टू दिस नंबर्स एंड दिस विल बी योर answer, okay, and then you write solution, okay, then you write all integers, okay, all integers between, okay, between -33 and -26 are, okay, -27 -28 -29 -30 -31 and -32, ठीक है. ये दो नंबर को हमें इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि बिटवीन मतलब उनके बीच में जो आते हैं, तो ये दोनों यानी कि ये दो नंबर जो है वो एक्सक्लूड होंगे. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम देखते हैं, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका -5 and -2 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है वो आपको लिखने हैं, ठीक है. तो इसके लिए एक हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है. आपको क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए आप क्या करें, एक नंबर लाइन बनाएं, ठीक है. जैसे कि ये नंबर लाइन बना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि किस तरह से आप नंबर लाइन बना सकते हो, बीच में कहीं पर भी एक मार्क कर लीजिए और ये जीरो हो जाएगा, उसका राइट साइड आ जाएगा पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका नेगेटिव नंबर्स यानी कि इंटीजर्स. तो कुछ इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, -5. तो आपको क्या पूछा गया कि -5 और 2 के बीच के नंबर्स, ठीक है. तो आप देख सकते हो नंबर लाइन में ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका -5. तो इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स है वो आपको लिखनी है, ठीक है. तो लिखिए सोल्यूशन, ठीक है, सेम यू हैव टू कॉपी ऑल इंटीजर्स बिटवीन -5 and -2 आर, बस लैंग्वेज आपको यही लिखनी है, ठीक है. ऑल इंटीजर्स, ठीक है, बिटवीन -5 and 2 आर,
ठीक है, सो इट विल बी माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो एंड फाइनली वन. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व रेस्ट क्वेश्चंस. ओके, बाकी क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करें.